हमारे पास है ये आज का लेटेस्ट फ्लेक्सिबल डिस्पोजेबल फ्लेक्सिबल, मतलब इस स्कोप को आप देखेंगे हम आगे और पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये ह्यूमन बॉडी है, ये दोनों ऑर्गन्स जो आप देख रहे हैं दोनों किडनीज है, और इसमें जो ये वाइट स्पेक्स है, ये वाइट स्पेक ये छोटा सा वाइट स्पेक, ये इसके स्टोन्स है। तो इसको ऑलमोस्ट 7 से 8 स्टोन्स है राइट साइड पे और अराउंड 3 से 4 स्टोन है लेफ्ट साइड पे। तो RIRS में हम एक पतली दूरबीन फ्लेक्सिबल दूरबीन जो मैं आपको दिखाऊंगा उससे इनकी किडनी में जाके इनकी किडनी को क्लियर करेंगे। तो MRI में पता लगा कि मेरा जो पथरी जो थी वो टूट के नीचे आ चुकी थी पेशाब के रास्ते में, और नल की थी छोटी और स्टोन बड़ा था। जब से मैं डॉक्टर साहब से यहाँ से निकला ना ऑपरेशन करा के, जब से कोई पेन नहीं है, और उससे बेहतरीन ये था कि इन्होंने चार्ज भी कम लिया। पथरी का स्पेशली अगर कोई है तो अपने यहीं आए डॉक्टर विजयंतर गुप्ता में, गोविंदा गुप्ता में, तो सबसे बढ़िया सुविधा ये है कि इनका एक ही दिन का काम होता है और एक ही दिन में रिचार्ज कर देते हैं, सबसे बेहतरीन है, और इसके बाद में कोई कंप्लेंट नहीं है। क्या आप लोग भी परेशान हो किडनी स्टोन से, जैसे कि आज के मरीज है, इनके अंदर दोनों किडनीज में छोटे छोटे स्टोन है मल्टीपल। तो छोटे स्टोन से कई बार पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती तो इग्नोर कर देता है, पर इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि हर 3 या 4 महीने में वो छोटा स्टोन छलक के यूरेटर में जाता है, और यूरेटर में आने के बाद इनको पेन करता है, बार बार किडनी स्टोन की सर्जरी होती है। तो इस पेशेंट में हम आज करेंगे एक सर्जरी जिसको बोलते हैं RIRS। RIRS में हम एक पतली दूरबीन फ्लेक्सिबल दूरबीन जो मैं आपको दिखाऊंगा उससे इनकी किडनी में जाके इनकी किडनी को क्लियर करेंगे। तो जब भी आपको किडनी स्टोन होगा तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो आपको रखना है वो ये है कि अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना है। अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे बहुत सारे जनरल फिजिशियंस गलत डायग्नोसिस कर देते हैं। किडनी स्टोन के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज CT स्कैन, NCCT, काला CT, जैसा कि इस मरीज ने कराया है। CT स्कैन का फायदा यह है, आप देखेंगे इसमें कि CT स्कैन के में हम को अंदर के सिस्टम को बारीकी से जांचने का मौका मिल जाता है, किडनी की शेप, किडनी की साइज, यूरेटर का साइज, यूरेटर की शेप, स्टोन की शेप, स्टोन कितने हैं, कहां पर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाती है। इसका मतलब है अल्ट्रासाउंड तो हो गया एक वेबसाइट जहाँ पर आपको दिखता है कि भाई घर यहाँ पर है या घर ऐसा होगा, पर CT स्कैन हो गया कि आपने गाड़ी बैठ के घर जाके रियल में देख रहे हो अंदर से कि है कैसा। तो अल्ट्रासाउंड अनुमान है, CT स्कैन एग्जैक्ट है। तो कोई भी यूरोलॉजिस्ट है अगर कोई भी किडनी स्टोन की सर्जरी प्लान करेगा तो हमेशा CT स्कैन कराएगा। तो ये CT स्कैन है, मैंने पहले भी आपको CT स्कैन पढ़ना सिखाया है, आज फिर से आपको सिंपली आप अपनी खुद कैसे देखेंगे। ये ह्यूमन बॉडी है, ये दोनों ऑर्गन्स जो आप देख रहे हैं दोनों किडनीज है, और इसमें जो ये वाइट स्पेक्स है, ये वाइट स्पेक ये छोटा सा वाइट स्पेक, ये इसके स्टोन्स है। तो इसको ऑलमोस्ट 7 से 8 स्टोन्स है राइट साइड पे और अराउंड 3 से 4 स्टोन है लेफ्ट साइड पे। इस पेशेंट की प्रॉब्लम और है कि इसके ब्लैडर के बिल्कुल मुंह पे आके एक स्टोन अटका हुआ है लेफ्ट साइड पे, जो उसको करेंटली बहुत सीवियर पेन कर रहा है। तो हमारा आज का प्लान रहेगा इस पेशेंट में लेफ्ट साइड का ब्लॉकेज वाला स्टोन निकालना और लेफ्ट साइड की किडनी क्लियर करना, और टाइम रहेगा तो उसकी राइट साइड की किडनी भी हम क्लियर करेंगे। तो कैसे हम करेंगे ये RIRS? तो RIRS करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, कई बार आपको लोग बोलेंगे कि लेज़र सर्जरी करानी है हमें, लेज़र स्टोन सर्जरी करानी है। तो लेज़र तो वो टेक्निक है
देखेंगे स्टोन को फोड़ने के लिए, स्टोन को बबल करने के लिए। पर वहाँ तक पहुँचेंगे हम, किडनी में पहुँचेंगे कैसे? किडनी में पहुँचेंगे हम इन दो दूरबीनों के माध्यम से। तो ये दो दूरबीन है हमारे पास, इसको बोलते हैं नॉन फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये हम स्ट्रेट चले जाएंगे पर इसको हम लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप। और दूसरी तरफ हमारे पास है ये आज का लेटेस्ट फ्लेक्सिबल डिस्पोजेबल, फ्लेक्सिबल मतलब इस स्कोप को आप देखेंगे हम आगे और पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम किडनी में जाके हर तरफ देख के जहाँ भी स्टोन है उसको हम लेजर से तोड़ सकते हैं। सेंटर दिल्ली में आरआरएस का सबसे बड़ा सेंटर है, और हम हर महीने कई 50-100 मरीजों का स्टोन पेनलेसली, बिना ब्लड लॉस के, बिना पेन के, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में और इंश्योरेंसेस में क्लियर करते हैं। अगर आप आरआरएस, यूआरएस, पीसीएनएल का और डिफरेंस जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे और भी वीडियोज हैं स्टोन पे जो आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी किडनी स्टोन सर्जरी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो हमारे सेंटर पे 100 rupees में सेकेंड ओपिनियन की फैसिलिटी है। आप अपनी रिपोर्ट्स को भेज सकते हैं, कहीं भी आप वो रिपोर्ट भेज सकते हैं, और आपको क्या सर्जरी बेटर रहेगी उसके बारे में आपको हम सेकेंड ओपिनियन सिर्फ 100 rupees में देंगे।